living on the edge. कौन है risk taker? आप छह लोग हैं जिनके दरमियान ये मुकाबला होने वाला है. क्या नजर आ रहा है? फुटबॉल ग्राउंड. समझ नहीं कुछ भाई यार, कुछ पल्ले नहीं पड़ा. ये क्या है? एक छोटा सा फुटबॉल का ग्राउंड बना हुआ है, उसके अंदर डी वगैरह बनी है, यानी कि फुटबॉल का पूरा स्केच बना हुआ था जैसे फुटबॉल स्टेडियम में होता है, छोटा सा. वो हमें लगा ये चूहों को खिलाएंगे यहाँ पे और हमें बोलेंगे चलो भी इनके देखो गेम. क्या चीज में गोल जो है बहुत मिनी है, माइक्रो साइज, चूहों के खेलने के खेलेगी है. ये मुकाबला होगा कुछ पार्टनर्स के दरमियान. आपको मैं यहाँ 2 मिनट दूंगा, अपना अपना पार्टनर चूज कर ले. जब ग्रुप बनाने की बारी आई तो एहसन और ताहा एक दूसरे को यूं देख तो रहे थे. मैं लिपट गया ताहा के साथ. मैंने कहा भाई आज बेटे और बाप का ग्रुप नहीं बन सकता, इतनी मोहब्बत मत दिखाओ, इतना दोस्ताना मत दिखाओ. आज खैर आज मेरे साथ थोड़ी सी मोहब्बत दिखा लो. आप लोगों ने ये पार्टनर्स बनाए जी, हैदर और ताहा, सबाहत और एहसन, नजफ और इरम. आप लोग एज अ टीम खेलेंगे जी. यहाँ होगा ये कि यहाँ पर बॉल भी मिसिंग है. बॉल है ये, क्या चीज है ये? पिंग पोंग. पिंग पोंग टेबल टेनिस की बॉल है. इसको सेंटर में रखा जाएगा और होगा ये कि आपने जो पार्टनर्स बनाए हैं, क्या सोच के बनाए हैदर और ताहा? बस यही कि दोनों ये जरा फुर्तीला है, मैं जरा स्ट्रॉन्ग, टीम बन जाएगी. सबाहत और एहसन, बस कल का डेयर अच्छा किया था, उम्मीद है कि आज भी फिट करेगी. मुझे क्या पता था. नजफ वर्सेस इरम, तीन लोग जीतेंगे, तीन लोग हार जाएंगे. यहाँ पर 2 लोग आएंगे, ये बॉल बीच में रखी जाएगी. आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फूंक का इस्तेमाल कर सकते हैं. फूंके मारकर गोल करना है. इतनी बड़ी घास है, वो कारी मार दे, फूंके खत्म हो जाएगी. टोटल टाइम आपके पास 5 मिनट है. पहला मुकाबला होगा मुझे नजफ और इरम का. एक तो बाटा नहीं होता बातें, लेकिन 1 मिनट वापस आए. ये क्या हुआ? इतना आसान चैलेंज आसान है तो बच्चों वाला है, फूंक मार के ले जानी है. आसान है, घास रवानी फंस जाएगा ये तो. घास बहुत बढ़िया. यहाँ पर ऐसी 2 बॉल्स होंगी, एक नहीं होगी. लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज इस डेयर में आपके साथ होगी. क्या चीज है? रस्सी. क्या होगा इसके साथ? बांधेंगे टांग या हाथ? बिल्कुल सही था. हाथ और पैर बंधे हुए होंगे. ओए ओए ओए, तो यानी आपने क्रॉल करना है. 2 बॉल्स हैं, अब दूसरे को आप रोक भी सकते हैं कि वो गोल ना करे. 5 मिनट बाद जिसने ज्यादा गोल किए होंगे वो जीतेगा. अगर दोनों ही गोल नहीं कर सके तो दोनों के दोनों बाहर गेम से. एंड इन लोगों ने ऐसे ब्लोइंग की ना, ऐसी ब्लोइंग की तो लग तो ऐसा रहा था जैसे थोड़ी देर बाद इनकी फ्रेंच किस हो जाएगी. अबे लोहे की बॉल दे दी क्या, फूंक मार जान लगा के यार. और चल भाई ये देखो नहीं होगा. फूंक मार मार के मेरा मुंह लाल हो गया. मैंने बोला कार भी ये तो नहीं जाएगा, इतनी इतनी बड़ी घास थी वहां पे, तो ये इतने से बोलने कहाँ जाने आगे. बुखार भी ने वहाँ पे थोड़ा सा डेयर चेंज किया होगा. यहाँ पर ये कि आप लोग अपनी नाक का इस्तेमाल करके भी ले जा सकते हैं क्योंकि फूंक नहीं लग रही. जो पहले ले जा जोर से फेंक, जोर से जोर से. हाँ ये चीज, ये चीज, ये चीज.
नहीं नहीं नाक का भी इस्तेमाल करना यार। जब घास की पड़े तो फूक मार, जब घास की पड़े तो फूक मार। हाँ वो ले गई, वो ले गई, वो ले गई, वो ले गई।